हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान, विजय सेतुपति और नयनतारा की अपकमिंग मूवी जवान को लेकर। फ्रेंड, आज से 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इस 25 जून को कुछ ना कुछ जवान से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 25 जून को शाहरुख खान को 31 ईयर्स हो गए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखे। लेकिन 25 जून को कुछ हमें जवान का मोशन पोस्टर या टीज़र तो देखने को नहीं मिला, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ मिल गई कि आस्क SRK मिल गया। यस फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि ट्विटर पे शाहरुख खान जब भी आस्क SRK का सेशन करते हैं तो वो कितनी ज़्यादा नई अपडेट्स दे के जाते हैं अपनी नई मूवीज़ के मुतलिक। ऐसे ही कुछ हुआ है लेटेस्ट आस्क SRK में, जब एक यूज़र ने पूछा शाहरुख खान से कि जवान का टीज़र कब आएगा, तो शाहरुख खान ने कहा कि इट्स ऑलरेडी, यानी जवान का टीज़र तैयार पड़ा है, सिर्फ बाकी चीज़ों को देखा जा रहा है और उसके बाद फिर इसे प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू फैंस के साथ शेयर कर दिया जाएगा। फ्रेंड, इससे एक चीज़ तो साफ होगी कि पहले जो लोग रूमर्स फैला रहे थे नेगेटिव के, जवान का टीज़र अभी तक बना नहीं, अभी तक सेंसर बोर्ड में नहीं गया, तो इससे एक चीज़ कन्फर्म हो गया कि जवान का टीज़र बन चुका है और क्या पता सेंसर बोर्ड के पास भी पहुँच चुका हो अभी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जवान का टीज़र फिर रिलीज़ किस दिन किया जा सकता है। तो जो आइडियल डेट इस टाइम रेंज में आ रही है वो 7th of July है, क्योंकि जवान को रिलीज़ होना है 7th of September को, तो उससे बिल्कुल 2 months पहले 7th of July को उसका टीज़र आ जाएगा। फिर वही आपको पठान वाली स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी कि हर 2 weeks के बाद एक सॉन्ग जवान का, फिर एक सॉन्ग, फिर एक सॉन्ग, और लास्ट में 15 days पहले फिल्म से इसका ग्रैंड ट्रेलर। तो ऐसा ही कुछ हमें जवान के साथ देखने को मिलेगा। फ्रेंड, यहाँ पर एक और चीज़ भी बड़ा साफ हो गई है कि हमें जवान का जो टीज़र और मोशन पोस्टर शेयर किया जाएगा उसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियल को हमें 7-8 दिन पहले नहीं मिलेगी। बहुत हुआ रूमर्स फैलेंगे 3-4 दिन पहले और ऑफिशियल अनाउंसमेंट फिर 1 या 2 दिन पहले ही सिर्फ ब्लास्ट की सूरत में फैलेगी हर तरफ। होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप पर्सनली कितने एक्साइटेड हैं जवान मूवी के लिए, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।